अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके सपनों की व्याख्या के फेवरेट चैनल ड्रीमलैंड से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है सपने में तस्बीह यानी माला देखना या पढ़ना। अगर कोई व्यक्ति सपने में देखे कि वो माला पर पढ़ रहा है तो इसका मतलब है आप जिस दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी में मुबतला हैं इससे मुक्ति पाएंगे। अगर कोई बीमार देखे कि वो माला पर कोई लाभ जप रहा है या तस्बीह पर अल्लाह का नाम पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपनी लाइफ में जिस भी गम दुख तकलीफ मुसीबत और परेशानी में है इससे मुक्ति मिलेगी। बीमार है तंदुरुस्त होगा, मकरूज है कर्ज अदा करेगा, कैद है रिहाई पाएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति सपने में देखे कि वो तस्बीह पढ़ना या माला जपना भूल गया है तो इसका मतलब है कि आपके माइंड में कोई बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं। माइंड को कंट्रोल कीजिए, थॉट्स को रोकिए, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। सपने में अगर कोई व्यक्ति देखे कि उसने पूजा पाठ के बाद या नमाज के बाद तस्बीह या माला पढ़ी है तो इसका मतलब है कि आप अपने वादे पूरे करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने। अनुमति चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ।